सर हम सिविल ड्रेस में क्यों आए हैं? अब यहाँ पे डराने नहीं है, ज्यादा सवाल मत कर, चुपचाप चलते रहे। तुम दोनों घर के बाहर रखना, अंदर जाता हूँ। Yes? इंस्पेक्टर कारण, सीबीआई। विजय भार्गव जी से एक केस के सिलसिले में बात करनी है। Yes, please come in. ये क्या है? अरे चड्डा है ना, आओ बैठो। वैसे अच्छा हुआ जो आप आ गए, मुझे आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी। इन्फॉर्मेशन? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, उसी केस से रिलेटेड जिसके लिए आप यहां पर आए हो। एक सेकेंड, केस? तुम्हें कैसे पता मैं किस केस के सिलसिले में यहां पर आया हूं? मुझे सब मालूम है, शायद आपसे भी ज्यादा। अच्छा, शायद विजय जी ने तुम्हें बता दिया होगा। विजय जी? कौन विजय जी? विजय भार्गव, इस मकान के मालिक। ये मकान? हाँ ये मकान। तो तुम जानते हो? क्या जानता हूँ? यही कि विजय भार्गव कौन है। हाँ? तो तुम वो लाश लेने नहीं आए हो? लाश? हाँ। कौन सी लाश? अरे उस औरत की लाश जिसे तुम्हें खंडाला घाट लेके जाना है। औरत? कौन सी औरत की बात कर रहे हो तुम? देर बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। कल रात को तुमने जिस औरत को मारा, तुमने कहा मैंने मारा, मगर मैं जानता हूँ कि मैंने नहीं मारा, तुमने मारा, और तुम्हें उसे ठिकाने लगाना था। वैसे तुम कार लेके आए हो ना? एक मिनट, कौन सी औरत का खून करके बैठे हो तुम? खून? किसने किया खून? अभी अभी तुमने कहा एक औरत का खून हुआ है, सच सच बता क्या माजरा है ये सब, बोलो। तो उस औरत को तुमने मारा है? रुको मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। एक सेकंड, मैं खुद सीबीआई से हूँ। अच्छा अच्छा, और तो बात को बदलो मत, ठीक है? तुमने अभी अभी कहा है कि यहाँ पे एक औरत का खून हुआ है, सच सच बता इसमें विजय भार्गव जी का क्या लेना देना है? और ना, मैंने किसी का खून नहीं किया, तुम मुझे धमकी दे रहे हो मारने की। यार तू पागल हो गया क्या? मैं खुद सीबीआई से हूँ, यहाँ पे केस के सिलसिले में आया हूँ विजय जी से मिलने। यार तो कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है। पागल है ये? कौन? मैं इसका अंकल। बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। पागल है ये? ए बुड्ढे, पागल मैं नहीं, पागल तू है, मैं सब समझता हूँ। खुसट बुड्ढा। हाँ पूरा नहीं, कुछ कुछ समझता है। ये पुनीत है, विजय का छोटा भाई। ओ। और मेरा भतीजा, कभी कभी कुछ बोलता ही नहीं और कभी कभी जरूरत से ज्यादा बोल जाता है, बहुत ही ढीठ आदमी है। मैंने कहा था ना तुझे यहाँ पे मत आना, चल निकल। बुजुर्गों से ऐसे बात करते कोई? अभी अकेले की नहीं? अकेल नहीं है, पागल है। मैं सब समझता हूँ और ये भी समझता हूँ कि तुम यहाँ पे जिस काम के लिए आए हो पूरा नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अरे क्या बकवास कर रही है? अरे बेटा तुम कहाँ इसकी बातों में आ गए, इसी की वजह से तो मैं यहाँ नहीं रहता, गांव में रहता हूँ, ये किसी को जीने कहाँ देता है। अच्छा मैं तुझे जीना नहीं देता, चल जा, मैं तुझे राज ही नहीं बताऊंगा। अच्छा मतलब आप यहाँ पे इनके साथ नहीं रहते? नहीं बेटा, मैं तो गाँव में रहता हूँ। वैसे तुम विजय से मिलने आए हो ना? जी। उसकी आखिरी सांसें चल रही है, अभी तो उस हालत में ही नहीं है कि बोल पाए। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, जिस केस के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ वो लाश का क्या करें मिस्टर राजन, कबर्ड में छुपा है। तू प्लीज 2 मिनट चुप रह। क्या बेटा तुम फिर से उसकी बातों में आ गए, ये तो पागल है, बचपन में इसके सर पे चोट लग गई थी तब से ये इसी तरह की हरकतें करता है। कबाड़।
वैसे तुम विजय से मिलने आए हो ना? जी। जाओ मिल लो। हाँ। कोई काम अधूरा नहीं छूटेगा, सब कबर्ड में है। लगता है लाश किसी ने फ्लश कर दिया। क्या फ्लश कर दिया? अरे उस लड़की की लाश, मैंने कहा था ना त्रिभुवन ने फ्लश कर दिया। अब ये त्रिभुवन कौन है? अरे तुम त्रिभुवन, तुमने तो बताया था जब मैंने वहां पे कॉफी दी थी तुमको। क्या? अरे जब तुम कॉफी पी रहे थे ना, तब मैंने उस कॉफी में जहर मिला दिया। जहर? भाई पागल है क्या तू? सच में? अरे शिंदे यार जल्दी घर के अंदर आ, एक डॉक्टर को लेके आ, गड़बड़ हो गई यार, जल्दी आ। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, गए नहीं विजय से मिलने? अरे वो पागल ने जहर मिला दिया मेरी कॉफी में। तुमने उससे कॉफी ली क्यों? अरे मैंने नहीं ली, उसने सामने से दे दी यार। लेकिन तुम तो विजय से मिलने जा रहे थे, तो उसने कॉफी दी कब? अरे उसने मुझे कॉफी कौन सा कॉफी? मैं तो चाय लेने जा रहा था, कॉफी खत्म हो गया अंदर। पागल साला। हमारा सर कहाँ है? कौन वो पुलिस वाला? हाँ। वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही बालकनी से कूद गया। क्या? हाँ बहुत परेशान था। पांडे यार मैंने कहा था सर ने खुद के लिए एम्बुलेंस बुलवाया था, इसलिए सर इतने ऊपर तक आए थे मरने के लिए। हाँ यार उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, अगर उन्हें मन नहीं था तो मुझे कह दिया होता, मैं ही उनका एनकाउंटर कर देता। चलो एक तो कम हुआ। अरे पांडे शिंदे क्या सुन रहे उसकी बात रे? अबे येड़ा है वो येड़ा, मैं सुन रहा तुम लोग मेरे बारे में क्या बोले बाकी। चौकी में मिलो, बात करता हूँ, पकड़ के रखो उसको। साकली करेंगे। मैंने कितनी बार बोला ये पागल है, तुम जाओ और विजय से मिलो। एक्सक्यूज मी आप अंदर कैसे आए और आप हो कौन? इंस्पेक्टर गारिन सीबीआई, मैं एक बहुत ही जरूरी केस के सिलसिले में आया हूँ, मेरा पूछताछ करना बहुत जरूरी है और बेहतर होगा कि आप दखल अंदाजी ना करें। विजय जी मैं मानता हूँ कि आपकी हालत फिलहाल बात करने की भी नहीं, पर इट्स माई ड्यूटी आफ्टर ऑल। मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि सरोजिनी पांडे को किसने मारा? देखिए इनकी तबीयत बहुत नाजुक है और ये बोलने की हालत में नहीं है। ये अगर मर गए तो मुझे जवाब मिलेगा भी नहीं। तुम लाओगी जवाब? बोलो लाओगी? देखिए आप प्लीज प्लीज बेचैन मत होइए, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर ये राज आप अपने साथ मत लेकर जाइए। मरने से पहले एक बार बोल दीजिए किसने मारा है सरोजिनी पांडे को। विजय जी बाद में आराम से मरिए, एक बार वो राज बता दीजिए प्लीज। विजय जी, विजय जी बोलिए। मैं जानता था कि आप बोल नहीं पाएंगे। अच्छा अगर आप बोल नहीं सकते तो मैं कातिलों के नाम लेता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा और उनमें से जो भी कातिल होगा उसका नाम आते ही आप परख चपका दीजिएगा। ऐसे ऐसे कैलाश सक्सेना। आर यू श्योर वो कैलाश सक्सेना नहीं है? क्योंकि कैलाश सक्सेना ने बहुत बार सरोजिनी को धोखा दिया और उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हड़प ली है। अच्छा तो क्या वो उसकी बहन शांति देवी पांडे?
शांति देवी पांडे उसे बहुत जलती थी, ये मुझे भी पता है। वो उसकी सौतेली बहन थी और उसे नहीं पसंद थी अपनी बहन। कैलाश सक्सेना का भाई रोहन सक्सेना, जो सरोजिनी पांडे के पूरे एंटरप्राइज का मालिक था, क्या वो अखिलेश यादव है, उसका सो कॉल्ड लवर, जिसने अपनी नस काट ली थी क्योंकि सरोजिनी ने उसे डंप किया था? कुछ याद आ रहा है आपको? क्या वो उसका बेटा था, क्योंकि मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ में जाने वाली? क्या वो समृद्धि गोसावी थी, जेबा खान, कौशल मिस्त्री, शैलेश पाटिल, कौन था? मांझीलाल कोई तो होगा। सुरेश यादव, सुदेश पाटिल। मैडम प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर, आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना करने दीजिए। अरे क्या हो रहा है इनको? अरे अरे क्या हो रहा है? विजय जी विजय जी, अरे मैं चाहता हूँ ये जिए, मुझे वो राज पता करना है। अरे क्या कर रहे हो यार, बचाओ इन्हें, रुको मत। अरे बचाओ इनको, नर्स कुछ तो करो। इंस्पेक्टर आई एम अफ्रेड की। अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, इन्हें जिंदा करो, ये बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट है। क्या 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 क्या? एक्चुअली सरोजिनी इनकी आखिरी नॉवेल की कैरेक्टर थी, राजमहल की रूह, भटकती चुड़ैल, लटकती आत्मा की भटकती कहानी। इन नॉवेल्स के बारे में तो सुना ही होगा तुमने, ये सारी मेरी फेवरेट थी और ये सारी नॉवेल्स इन्हीं ने लिखी थी। और इनकी एक आदत थी कि नॉवेल के एंड तक कभी भी सीक्रेट रिवील नहीं होने देते थे। इनफैक्ट अपने नॉवेल के आखिरी पन्नों की प्रिंटिंग वो अपने सामने कराते थे अपनी देखरेख में, और ये शर्त पब्लिशर से अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखवा लेते थे कि जो भी बंदा प्रिंट करेगा वो अनपढ़ हो, ताकि कहानी का अंत किसी को पता ना चले। लेकिन अगर ये नॉवेल प्रिंट ही नहीं हुई तो तुम इसके बारे में इतना कैसे जानते हो? बचपन से इनका फैन रहा हूं, कभी इनकी एक नॉवेल नहीं छोड़ी। कुछ दिन पहले मेरी सुपरविजन में इनके पब्लिशर के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड, और उसी रेड के दौरान उनके लिखे गए आखिरी नॉवेल की मैन्युस्क्रिप्ट मेरे हाथ लगी, पर उसके आखिरी पन्ने नहीं थे। सर वो पागल। अब क्या किया उसने? उस पागल ने शायद जहर खा लिया है। क्या? अरे ये क्या किया तुमने? चूहे मारने की दवा थी, चॉकलेट नहीं। अरे डॉक्टर बचाओ इसे, इसे मरने मत दो। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, इसकी पल्स चल रही है। ये मर गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसका बचना बहुत जरूरी है, इसे बचाना ही पड़ेगा, इसे बचा लो। संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। समझ सकता हूँ मैं, दो दो मौतें एक साथ। दो मौतें तो फिर भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर ये बचा नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। धीरज रखिए, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। विजय के आखिरी समय में यही उसके साथ था, विजय ने इसके कान में कुछ कहा, तब से ये पागलों की तरह हरकतें करने लगा। हो ना हो, सरोजिनी का राज इसे पता है। अगर ये नहीं बचा तो ये कहानी कभी पूरी नहीं होगी, और ये राज राज ही रह जाएगा कि मेरा कातिल कौन है।